सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं करने के कारण से अकेले बाजरे की फसल में सितंबर के अंतिम सप्ताह की छोटी अवधि में 150 लाख रुपए से अधिक का घाटा किसानों को उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर इस वर्ष अधिक बरसात के कारण 50 से लेकर 90% तक फसलों में खराबा हुआ है। तो कंगाली में आटा गीला की पीड़ा से किसान त्रस्त है और सरकार मंदिर दर्शनों में व्यस्त है। यह स्थिति तो तब है जब सरकार बाजरा जैसे मोटे अनाजों के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 2018 को राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर चुकी है। बाजरा देश के लगभग 7 राज्यों में उत्पादित होता है, उसमें अकेले राजस्थान का हिस्सा 48% तक है। ऐसी स्थिति में जो 12 वर्षों से किसानों की दुर्दशा हुई, किसी भी दल की सरकार ने एक भी दाना बाजरा नहीं खरीदा, ये किसानों की पीड़ा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।